साल की उम्र में $30 मिलियन इस बच्चे ने कमाया है। इस उम्र में आपको और मुझे तो पता भी नहीं था कि हम क्या करें अपनी जिंदगी के साथ। सो ये स्टोरी है निक की, जिसने एक नहीं दो टाइम्स अपने स्टार्टअप्स को बेचा। पहले याहू को बेचा, फिर इसने ट्विटर को बेचा। स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब 9 साल की उम्र में इसने एक मैकबुक खरीदी और वहां से इसको शौक पड़ गया iOS डेवलपमेंट का, और इसने एप्स बनानी शुरू कर दी। सो इसकी जो पहली ऐप थी वो एक आइडिया जनरेट हुआ। इसका हिस्ट्री का एग्जाम था और गूगल सर्च ये कर रहा था और इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये तो बहुत लंबे लंबे आंसर्स हैं। तो इसने ट्रिमिट एक ऐप का कॉन्सेप्ट सोचा कि मैं उसमें कोई चीज डालूंगा, कोई कंटेंट डालूंगा और वो ईमेल डालूंगा और वो समरी निकाल के मुझे दे देगा। ये जब इसने ऐप लॉन्च की बहुत तेजी से ये ऐप स्टोर के ऊपर वायरल हो गई और बहुत से लोगों ने इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया। इस ऐप की वायरलिटी को देख के हांगकांग के अंदर एक इन्वेस्टर ने इसको एक ईमेल लिखी, $300,000 की इन्वेस्टमेंट का इसको प्रपोज किया। शुरू में तो इसने वो ईमेल पढ़ के समझा कि कोई स्कैम है और इसने रिजेक्ट करके उसको ईमेल को रिप्लाई कर दिया कि सॉरी मुझे लग रहा है कि आप सीरियस नहीं है और शायद ये स्कैम हो। बट इवेंचुअली बात करने के बाद वो इन्वेस्टर इसके साथ टाइप हो गया और इसने $300,000 रेज कर लिए उस ऐप के बाद। बट वहां से इसको नजर आया कि इससे भी दुनिया में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वहां से इसने एक और स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम है समली। जहां से स्टार्ट हुआ इसका कॉन्सेप्ट समली का, जो कि इंस्पायर्ड था इसकी पहली ऐप से ट्रिमिट से, वहां पे इसने समली के अंदर 200,000 डाउनलोड्स भी हो गए हुए थे। 17th बर्थडे तक इसकी 90 मिलियन समरीज उस न्यूज ऐप ने जनरेट कर ली हुई थी और 28 कंट्रीज के अंदर #1 ऐप ये रैंक हो रही थी। ये ट्रैक्शन देख के याहू ने इंटरेस्ट लिया और $30 मिलियन की वो कंपनी इससे एक्वायर कर ली। अच्छा, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। फिर इसने एक और ऐप पे अपने को फाउंडर के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस ऐप का नाम था स्फेयर। स्फेयर इनिशियली स्टार्ट हुई थी एक ऐसी ऐप थी जिसमें आप एक्सपर्ट से क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो और एक मार्केट प्लेस की तरह थी। बट उसको पिवट किया कि यार इसमें जो कम्युनिटी वाला फीचर है या ग्रुप चैट वाला फीचर है वो ज्यादा फेमस हो रहा है, चल रहा है। इसने वहां पे पिवटिंग की और वहां से फिर अनदर $30 मिलियन इसने रेज किया फ्रॉम एयरबीएनबी के को फाउंडर से और टिंडर के को फाउंडर से। वो पैसे लेने के बाद जब इस ऐप की ग्रोथ और एक्सप्लोजन हुई दोबारा से, वहां से इस कंपनी को फिर ट्विटर ने खरीद लिया। सो इस एज के अंदर दो एप्स को डेवलप करना, को मार्केट करना, पैसे रेज करना बहुत क्रेजी अचीवमेंट है। तो इस स्टोरी से बेसिकली हमें 2-3 बहुत अच्छे लेसन्स मिलते हैं। 1, एज इज नॉट द फैक्टर। आप कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जितना अर्ली कर लोगे तो टाइम को आप बहुत ज्यादा सेव करते हो लाइफ के अंदर। बट अगेन, एज इज नॉट द फैक्टर। KFC वाला बाबा बहुत 50s में जाके उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये 19s में है। दूसरा कि हमें एज अ मुल्क एक और जगह पे पिवट करना है एजुकेशन वाइज। इंडिया ने तो ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है कि अपनी एजुकेशन को कंप्यूटर साइंसेस, प्रोग्रामिंग, इस तरह के स्किल सेट के अंदर लेकर आना है। इंडिया ने तो लाजमी कर दिया हुआ है कि 5 ईयर्स से जो प्लस उनके बच्चे हैं उनको प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि अब आगे डोमिनेशन IT की है। और तीसरा सबसे बड़ा जो इसमें से लेसन है कि सॉफ्टवेयर बनाना, SaaS कंपनी स्टार्ट करना, प्रोडक्ट्स को बेचना, इट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल और क्विक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन, अगर आप अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखें कि आप लाइफ के अंदर, चाहे आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, चाहे एजेंसी रन कर रहे हैं, या कोई भी काम अभी नहीं कर रहे और सोच रहे हैं, तो SaaS बिजनेस के अंदर आना इस क्रेजी प्रॉफिटेबल काम होता है। रिस्क भी होता है, बट अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, लोगों को सोल्यूशन दे रहे हो, तो आप यू नेवर नो कि आपकी ऐप या आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो भी आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो वो एक ग्रोथ ले। इस तरह की और स्टोरीज के लिए ज़रूर शेयर करें, और आपको लगता है कि अगर ये किसी को फ़ायदा दे रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, उन लोगों को टैग करें, ताकि इसे पाकिस्तान के इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को बेसिकली ग्रोथ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग।